प्राइमरी डिपॉजिट एंड सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्या होती हैं। प्राइमरी डिपॉजिट वो होती हैं जो पैसा आप जाकर बैंक में डिपॉजिट करवाते हो, तो वो हो गया प्राइमरी डिपॉजिट्स, ठीक है ना। आर कैश डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स बाय द पीपल, जो डिपॉजिट्स लोगों ने कमर्शियल बैंक में जाके करवाई हो, यानी कि आपके आस पास के जो भी बैंक होते हैं उसमें जाके करवाई हो, तो वो होते हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स, ठीक है। ये किसका पार्ट होता है? टोटल डिमांड डिपॉजिट्स। टोटल डिमांड डिपॉजिट्स ओवरऑल डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं जो बैंक के पास होते हैं, यानी कि पर हर बंदे का जो प्राइमरी डिपॉजिट्स का टोटल कर दो तो वो हो जाता है टोटल डिमांड डिपॉजिट्स इन शॉर्ट, ठीक है। सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होते हैं? सेकेंडरी डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जो बैंक क्रिएट करता है उन पैसों से जो लोगों को बैंक ने लोन दिया हो, ठीक है। यानी कि ये बोरोड मनी का डिपॉजिट क्रिएट होता है, ठीक है। आर दोज डिपॉजिट्स विच अराइज ऑन अकाउंट ऑफ लोन्स बाय द बैंक्स टू द पीपल, जो बैंक ने लोगों को लोन दिया हो उसमें से कुछ रिजर्व निकाल लेना होता है एस सेकेंडरी डिपॉजिट्स, ठीक है ना। एस सी ई सी ओ एन डी ए आर वाई डिपॉजिट्स, सेकेंडरी डिपॉजिट्स, ओके फाइन। और ये किसका पार्ट है? ये भी टोटल डिपॉजिट्स का पार्ट है। और टोटल डिपॉजिट्स कैसे निकालते हैं विद द बैंक्स? प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट्स, ठीक है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो प्राइमरी डिपॉजिट्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो लोगों की सेविंग होती है जो बैंक में करते हैं। जो सेकेंडरी डिपॉजिट्स होती है वो क्रेडिट क्रिएशन वाली मनी होती है, ठीक है, जो लोगों को बैंक उधार देता है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि बैंक लोगों का एक पैसा लोगों को उधार देता है ना। और ये कैसे पॉसिबल होता है? ये सब कुछ इंटर बैंक होता है, इन कैश हैंड नहीं होता कुछ, ठीक है। इसीलिए मनी भी इजीली क्रिएट हो पाता है।